हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेकर आ रहे हैं अपन। ये तो अपना थर्ड पार्ट है, ठीक है दोस्तों, DSSCB के प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अपन ने 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए, 25-25 के दो वीडियो। ठीक है दोस्तों, अपना फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे अपना द मोबिलिटी। ठीक है दोस्तों, मोबिलिटी ऑफ HBA एंड HBS ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी। ठीक है दोस्तों, अपन मोबिलिटी देखते हैं जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसके अंदर HBA एंड HBS ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस तो उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या देखने को मिलता है, तो उसके अंदर HBS मूव स्लोअर देन HBS। ठीक है दोस्तों, HBA, ठीक है, जो HBS होता है मूव करता है स्लोअर धीरे। ठीक है दोस्तों, किसकी तुलना में, HBA की तुलना में। ठीक है, आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अपनी यूट्यूब की बायो में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी सारे पार्ट, ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, या मैं पहले ही कर दूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना आप, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कैल्शियम के फंक्शन है इसके सिवा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको, आपने देखा होगा इस प्रकार क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है। अपने एग्जाम में क्या करते हैं, अपन पढ़ते फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कैल्शियम, बस अपन इतना देख के फिर डायरेक्ट देख रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, तो हाँ अपन देख देते हैं, हाँ ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन जाते नहीं है नीचे आगे, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम ने क्या करता है, अपन को कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालते। ठीक है दोस्तों, कि कैसे कैसे ना स्टूडेंट को अटकाया जाए, ठीक है दोस्तों, रोका जाए, तो इसका राइट आंसर होगा अपना एडोप्शन। इसका देखो देर का एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है दोस्तों, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये है कैल्शियम के द्वारा, ये कैल्शियम के फंक्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच एमोंग द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन अपीयर फर्स्ट आप ऑनसेट इन्फेक्शन, जब अपना इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में आते हैं इंसेक्ट। ठीक दोस्तों, ऑनसेट। ठीक दोस्तों, तो कौन से IgG अपने सबसे पहले देखने को मिलती है, अपन को बताओ। IgG मिलती है, IgM मिलती है, IgD मिलती है, IgA, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक दोस्तों, म्यू। ठीक है, तो कौन सी देखने को मिलती है अपन को, तो IgM। ठीक दोस्तों, पेंटामर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी के क्वेश्चन देख लेना। ठीक है दोस्तों, हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया नाम से पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका दिख नहीं रहा आपको, देखो हाइपो मतलब होता है, हाइपो मतलब होता है कम। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखना, इस टर्म को ध्यान रखना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको हाइपो देखने को मिले तो इसका मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अपन बोलते नहीं कि ज़्यादा हाइपर हो रहा है क्या। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार, ठीक है, याद रखना, तो हाइपोनेट्रेमिया का क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एग्जाम्पल ऑफ सेमी ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर का एग्जाम्पल RFT, अरबा, केमिस्ट्री, स्टार फेक्स। ठीक है दोस्तों, ये सभी है। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो कोई लेब में काम करने वाला होगा ना, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है एक्सेप्ट किसके अलावा, तो अपन को पता है एंटेरियर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, जो ये अपना ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है, ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है दोस्तों, अभी अपने पीछे देखा था एक हार्मोन आया था अपना ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, शायद पहले वीडियो में आया था। ठीक है दोस्तों, 50 से पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर था ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, क्या कि अपना क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, वो शायद रेगुलेशन से रिलेटेड था कुछ। ठीक है, उसके अंदर ADH। ठीक है, तो ADH और ऑक्सीटोक्सिन ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, एंटी डायुरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मेजर ऑफ कोलेजन ऑफ द
एस्टिमेट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन किससे आया पता आपको, ये अपना है क्वालिटी कंट्रोल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ द बॉडीज नोन एज, नॉर्मल टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, अपन को पता है हिस्टोलॉजी कहते हैं, नॉर्मल सेल के देन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, कवक के देन को क्या जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी ये इसको कहा जाता है डिजीज्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि डिजीज टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो अपना राइट आंसर क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी। नाम से पता चलता है हिस्टो मतलब उत्तक, पैथो मतलब डिजीज से, लॉजी मतलब अध्ययन। ठीक है, तो लेकिन इसका अपना राइट आंसर क्या है, नॉर्मल के लिए पूछा अपना हिस्टोलॉजी। ठीक है, फिक्सेटिव यूज टू प्रिजर्व इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर नॉन एज, फिक्सेटिव यूज किया जाता है प्रिजर्व इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर फॉर नॉन एज, तो कौन सा इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है प्रिजर्व। ठीक है, तो कौन सा अपना बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा अपना माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव। ठीक है, हमें एक दो क्वेश्चन आपको भी कमेंट में आप बताना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो इजी रहेगा मैं वही आपसे पूछूंगा। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक दोस्तों, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, ये आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लेब में काम करते हो या कभी आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटेंट इन द टिश्यू इज रिमूव। ठीक है दोस्तों, जब अपन टिश्यू से वाटर रिमूव करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, फिक्सेशन के अंदर फिक्स करते, क्लियरिंग के अंदर अपन क्लियर करते जाइलिन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इम्प्रेगनेशन ये टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप। ठीक है दोस्तों, द सेक्शन कटिंग मशीन इज नॉन एज, जो सेक्शन कटिंग मशीन को क्या कहा जाता है, अपन माइक्रोटॉम कहा जाता है, इसमें कहा है ये माइक्रोटॉम। ठीक है, डैश इज यूज टू कट टिश्यू। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज ब्लॉक, कौन सा माइक्रोटॉम यूज किया जाता है इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्लेज माइक्रोटॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जांपल ऑफ क्लियरिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियरिंग एजेंट का एग्जांपल है तो अपन को पता है इसका सीडरवुड ऑयल और जाइलिन। ठीक है दोस्तों, ये इसके राइट आंसर होते हैं, अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीडरवुड ऑयल या जाइलिन यहाँ पर रहता तो जाइलिन। ठीक है दोस्तों, ये अपना और बाकी देखो एब्सोल्यूट एल्कोहल अपना किसके लिए है, अपना डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, एसीटोन भी डिहाइड्रेशन के लिए। इस प्रकार और क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन आते हैं उनको भी सोल्व करने से क्या होता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर अपने सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इनको डिटेल से नहीं कर सकता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तभी तो मैं पार्ट्स में लेकर आ रहा हूँ। बाकी मैंने इनमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने पहले वाली वीडियो बना रखी, उनमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं इनमें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। द स्टेन विच इज यूज फॉर लिपिड। ठीक है दोस्तों, लिपिड के लिए कौन सी स्टेन यूज की जाती है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बाकी एग्जाम में आया, बाकी अच्छे है सारे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, सूडान डाई है वो की जाती है, और कांगोरेट किसके लिए की जाती है, प्रोटीन के लिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल फॉर एम्बेडिंग मीडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, एम्बेडिंग मीडिया के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, तो अपना पैराफिन वैक्स। ठीक है दोस्तों, जाइलिन क्लियरिंग एजेंट है, ये अपना डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं, ये अपना फिक्सेशन के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिक्सेटिव फॉर्मेलिन। ठीक है, बोवन फ्लूड हैज बिन रिकमेंडेड, किसके लिए रिकमेंड करते हैं अपना बोवन फ्लूड, जो आप पैथोलॉजी के अंदर देखोगे ना जो भी रिजेंट है ना। ठीक है दोस्तों, फिक्सेटिव अच्छे से देख लेना, उनके कंपोजिशन एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोवन फ्लूड किसके लिए अपन रिकमेंड करते हैं बताओ, तो इसको अपन करते हैं रेनाल बायोप्सी के लिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल फॉर चिलेटिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, चिलेटिंग एजेंट के लिए कौन सा इनमें से अपना EDT, इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, EDT की फुल फॉर्म, डैश इज ए रेफ्रिजरेटर कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, इन विच ए मॉडिफाई माइक्रोटॉम, जो रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, उस कौन सा अपना कार्योस्टेट के अंदर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों,
गुणांतर क्वेश्चन हो गया अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो नेचुरल ऑक्सीडेशन हीमोग्लोबिन का कौन सा है अपना डीपनिंग होता है, ठीक है दोस्तों। हीमोसिड्रिन इज डिमोनस्ट्रेट बाय, ठीक है। तो हीमोसिड्रिन को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन सी डाई का या स्टेन का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पेरल्स फ्रिजन ब्लू, ठीक है दोस्तों। वोन कोसा मेथड इज यूज टू डिमोनस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो कौन से के लिए करते हैं अपन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान अपना कैल्शियम के लिए, ठीक है दोस्तों। बोन मेरो कैन बी फिक्स्ड बाय, ठीक है। जो बोन मेरो होती है किसके द्वारा फिक्स्ड की जाती है, जिंकस फॉर्मलिन के द्वारा या क्लोरोफॉर्म के द्वारा या अपना पिक्रिक एसिड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका या ओस्मियम टेट्रोक्साइड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो बोन मेरो कैन बी फिक्स्ड बाय, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है अपनी, इसका क्वेश्चन आप बताना, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन का आपको दो क्वेश्चन के कमेंट करने हैं, ठीक है दोस्तों। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पैराफिन वैक्स का, तो इसका होएगा अपना 58 से 60, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेलोडीन एक्ट एज एम्बेडिंग मीडिया फॉर, ठीक है दोस्तों, किसके, सेलोडिन एक्ट एज ए इम्बेडिंग मीडिया, ठीक है दोस्तों, किसके लिए, कौन से टिश्यू के लिए करते हैं अपन, ठीक है दोस्तों, सेलोडिन इम्बेडिंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा या क्रोमोसोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना हार्ड टिश्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके अंदर वो वीडियो ज़रूर देखना और पीछे वाली वीडियो देखना, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जनरल पेपर का क्वेश्चन के सॉल्वर चाहिए तो आप कमेंट कर बता देना, ठीक है।